कौन कह रहा है? ये हमारी आत्मा कह रही है, दूसरी सखी से पूछ रही है। कैसे पूछ रही है? किता करी होरी दुनिया होरी चादी करी हो गुइयां चादन आई है लबुआ। क्या लिख रहा है कभी आगे? बड़े अच्छे शब्द हैं, सोचने वाले शब्द हैं। ए चादन आपे सजन लबुआ धर धर लगे बुलुआ। ए चादन आपे सजन लबुआ धर धर लगे बुलुआ। और कहार लगे डोली में आगे चले नौहा। लिबाने वाले कहां से आएंगे? अगर संसार के पति की बात की जाए, अगर लेने के लिए आए तो उनसे ये कह दोगे कि आज ना है कल, कल ना है परसों, और परसों ना है तो एक महीना बाद लेवा जाइए। का दिक्कत भैया? कोई दिक्कत नहीं, चले जाए। और अगर जब परमात्मा के यहाँ से लेने वाले आएंगे तो वे तुमसे पूछेंगे नहीं, और सीधी पाए पकड़े, और जब पाए पकड़ ली तो लेके चल दी। तो शब्द है ना, बेउना कह पाओ घर वालों से अगर कुछ कन चाहिए। जब मृत होती है तब देखते हो मुंह खुला रह जाता है, तो नाती हो लड़का कहते हैं तो बोले पप्पा कुछ कान चाह रहे थे लेकिन कुछ कह ना पाई तो चले गए, क्योंकि समय नहीं मिलता है एक शब्द बोलने के लिए। ये सांस जो है ना, ये हमारे शरीर के अंदर गिनती है। कैसे गिनती है? अच्छा देखो, पूछने वाले ने हमसे पूछ लिया था एक दिन, हम अपने गांव की बात बता रहे हैं। उन्होंने पूछा, ये बताओ शास्त्री जी, तुम कह रहे सांसों की गिनती है तो गिनत को है बैठे के? हमने बिल्कुल बात तुम्हारी सही है, गिनत को है। जब सांसें हैं तो एक लोग तो कोई ले ना रहे, सांसें तो कई ले रहे हैं, और सांसें क्यों ले जाता आदमी, खुद अपनी ना गिन पाते। हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं। आपने देखा होगा मार्केट में जाओ, मार्केट में, और मार्केट में से एक खिलौना लेके आओ, खिलौना वो में चाबी भरी जाती। परीक्षित महाराज लाए कब? छोटे हुए तुम तो लाए हो मेला में से खिलौना। हाँ अब तो नाती के लाते हो तो खिलौना में देखो तुम चाबी भर दियो, चाबी, और चाबी भर के तुम छोड़ दियो। जब तक वह चाबी भरी रही है तब तक वो भजत रही है, और जाए के रुक जाए फिर वो ठाड़ हो जाए, चलिए ना तुम बके हाथ जोड़ी हो और खूब पाए छुए लेकिन नेक बढ़ जा नेक। परीक्षित महाराज कहू बड़ो बताओ मारा कतई ना बढ़े। बस इसी तरह से चाबी भरी हुई है, और जब चाबी खत्म तो कहानी खत्म। ये हमारे जो है शरीर की महिमा है केवल। परीक्षित महाराज कभी कह रहा है संग संगाती सब जो रही है कोई ना संग जब हो, कोई जाने वाला नहीं है। सब आ जाते हैं, तसल्ली देते हैं घर वालों को, लेकिन साथ में जाता कोई नहीं है। चाहे खुद की पत्नी हो, खुद की मैया हो, चाहे खुद के पिता हो, चाहे भाई बंधु कोई भी हो, लेकिन साथ में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। ये संग संगाती समझ रहे हैं कोई ना संग जब हुआ, और
केवल संसार जो है, अच्छा संसार में भी केवल सात अक्षरों का पेटिका है, अपना मतलब केवल अपना मतलब हो जाए, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अपना मतलब जो भी रिश्तेदार हैं अपने मतलब के लिए हैं। अगर कभी देखना समय खराब अगर आ जाए, समय खराब आ जाए तो अपने हेतु रिश्तेदार होते हैं ना, वो भी साथ छोड़ जाते हैं। अगर कहीं आप जाओ रिश्तेदारी में, अगर आपके पास अच्छे वस्त्र नहीं है, अच्छे पहनावा नहीं हो पाया है पैसों की वजह से, तो वो रिश्तेदार है ना, वो अपना बताने के लिए तैयार नहीं किसी को होते कि हमारा है, केवल अपना मतलब देखते हैं।